हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रिया। मेरे विलेजर टेस्ट किचन में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं समोसे बनाने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए लिए है मैंने मैदा और 2.5 कचोड़े मैदा लिए हैं। ग्राम में नापा जाए तो 400 ग्राम ये मैदा है। और इसमें रखेंगे टेस्ट के अनुसार नमक और अजवाइन, और इसे हाथों पर रख करके थोड़ा इसे दबा करके, और इसे हमें रखेंगे क्योंकि इससे फ्लेवर अच्छा आता है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अजवाइन और नमक मिक्स हो जाएगा तो इसके बाद रखेंगे रिफाइन। आप चाहे तो इसके जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं रिफाइन का यूज कर रही हूँ। और इसे रिफाइन को मिक्स करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक मिक्स करना है। और इसके बाद इस तरह से हाथों में बंधने लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे आटा का डो तैयार करेंगे। एक साथ पानी नहीं रखेंगे और इसका आटा का डो टाइट से रखेंगे, और एकदम ये हार्ड है आटा, तभी कुरकुरे और करारे बने की रेसिपी बनेंगे। और इसमें रिफाइन को लीपापोती कर देंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद हम रखेंगे स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने तेल और मेथी दाना और जीरा, तेजपत्ता, लाल मिर्च इसमें रखेंगे, और इसे हम इसमें रखेंगे प्याज, और इसे प्याज को पकने देंगे। मिक्स हो गया है, और आप चाहे तो इसके जगह में लहसुन अदरक रख सकते हैं। क्या है ना, मेरे घर मेहमान आए हुए थे, वो लहसुन और अदरक नहीं खाते हैं, तो मैंने नहीं रखा है। मैं उन्हीं मेहमान के लिए आज समोसे बना रही हूँ। तो इसमें आलू और इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, नमक, किचन किंग मसाला, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर, और इसे मिक्स करेंगे और इसे मसाले को 9 से 10 मिनट तक भुने हैं। और ये मेरा स्टफिंग बन करके रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद चलते हैं आटे की तरफ। तो आटे मेरा सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसको हम 6 से 7 मिनट तक इसे हम आटे को इस तरह से गूँथे हैं, और फिर से हम इसे सॉफ्ट कर लें, अच्छा से डो इसका तैयार कर लेंगे और इसका एक लोई बनाएंगे। और अब चाहे तो बड़ा भी समोसा या छोटा समोसा बना सकते हैं, तो पहले हम बड़ा बनाकर दिखाएंगे, आपको छोटा भी दिखाएंगे। तो इसे हम लोई को बेल लेंगे, बेलने के बाद इसे हम बीच में से कट करेंगे, दो भागों में इसे कट कर देंगे। और इसे हम पतला बेलेंगे और इसे किनारे पे जिधर से कट किए हैं उस साइड पानी लगा देंगे, और इसे बीच में से दबा कर दे करके यहाँ जॉइंट कर देंगे, और इसमें स्टफिंग रखेंगे। और किनारे पे पानी लगा देंगे ताकि पानी से चिपकता है मैदा। और ये बीच में हम फोल्ड करेंगे, और जो बीच वाला भाग है उसे हम प्रेस करके से दबा देंगे। अब चाहे तो इस तरह से एक साइज से बना सकते हैं, हाथों से दबा सकते हैं या उंगली से दबा सकते हैं। अब हम छोटा बनाकर दिखाएंगे, बेल करके पतला बेला है और काट लेंगे, और उसी तरह इसमें भी पानी लगा लेंगे और बीच में से दबाएंगे, और यहाँ इस तरह से जॉइंट करेंगे और इसे दबा देंगे ताकि ये लेना, अब देख सकते हैं। और इसमें रखेंगे स्टफिंग और इसे हाथों से दबा देंगे उंगली से, और किनारे पे पानी लगा करके बीच में से फोल्ड करके, और जहाँ पे हमने कट किया है वहीं पे चिपकाएंगे, अलग नहीं चिपकाएंगे, और चारों तरफ से इधर से भी फैला चिपका देंगे। अब उंगली से देख सकते हैं, इस तरह से दबा सकते हैं मिनी समोसे को। और अब देखिए मेरा पूरा समोसा बनकर रेडी है।
और इसे तेल को ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे और इसमें तलेंगे। यानी समोसे रख दिए हैं, थोड़ा सा कड़ा हो जाए उसके बाद इसी तरह हम उलट देंगे, पलट करके इसे हम ब्राउन कलर हो जाएगा इसे हम निकाल लेंगे। और ये मेरा समोसा बन गया है, अब इसे निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं मेरा समोसा कितने क्रिस्पी बना हुआ है। और इसे हम तोड़ कर दिखाते हैं, एकदम से खस्ता और क्रिस्पी बना हुआ है, देख सकते हैं इतना अच्छा है। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।